हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन पेपर टू टॉपिक 4B व्हिच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। माय नेम इज आदित्य दुबे एंड इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट टॉपिक 4B व्हिच बिलोंग्स टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं आप, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट जानने से, और इसके बारे में फिर हम देन एमसीक्यू कवर करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163 में ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट है, ताकि वो गवर्नर के एक्सरसाइज मींस गवर्नर के जो फंक्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए उनको हेल्प कर सके। गवर्नर जो रहता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड करता है, देन गवर्नर उनको इलेक्ट करता है। तो इसके बारे में एक, इसके बाद अगर थ्योरी की बात की जाए तो गवर्नर जो रहता है वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर वो चाहे तो। बट अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो लाइज करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो रहती है गवर्नर के प्रति, लेकिन अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो वो रहती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओके, अब डील करते हैं हम क्वेश्चन के साथ कि हु अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है गवर्नर, और आर्टिकल 163 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 163 जिसमें यह बताया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। ओके, तो यह था हमारा पहला स्लाइड। इसके बाद है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों शामिल है, उनकी जो विधायिका में सीट है वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर विच इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो इसका सही आंसर है 91। अंडर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बताया गया है कि 15% से ज्यादा, मतलब 15% से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं होना चाहिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन ओनली बी अ मेंबर ऑफ, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस सदन का मेंबर बन सकता है, इनमें से किस एक सदन का मेंबर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विच इज आइदर ए और बी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का मेंबर हो सकता है, या तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधान परिषद का मेंबर हो सकता है, इनमें से किसी भी एक का मेंबर हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक और फैक्ट आपको बता दूं कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, तो वो 6 मंथ के अंदर इनमें से किसी भी सदन का मेंबर बनना जरूरी है, नहीं तो उसकी जो पोजिशन है वो सीज कर दी जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज सीज टू बी अ मेंबर। मतलब कोई भी मिनिस्टर जो 6 महीने से लगातार लेजिस्लेचर स्टेट है, लेकिन अगर वो मेंबर नहीं बन पाया है, मींस 6 महीने तक वो मिनिस्टर तो अपॉइंटेड है, बट लेकिन अगर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन पाया तो उसके साथ क्या होगा? तो यहां पे आंसर सही रहेगा कि सीज टू बी अ मिनिस्टर, मतलब उसको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शंस बताए जा सकते हैं कि उसको फिर से रीइलेक्ट कर लिया जाएगा 6 महीने के लिए, उसका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाएगा सीएम के द्वारा। तो यह सब गलत रहेगा, क्योंकि सही आंसर रहेगा ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शपथ इनमें से किस शेड्यूल में मेंशन की गई है। तो इसका सही आंसर है, मैंने आपको प्रीवियस बताया कि शेड्यूल नंबर 3 जो डील करता है ओथ के साथ, और ओथ भी 2 टाइप की होती है, एक होता है ऑफिस ओथ, दूसरी होती है सीक्रेसी ओथ। ओके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ ही साथ सीएम जिसको साइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करेंट स्टेट मिनिस्टर ऑन ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल अफेयर एमपी के
करंट स्टेट मिनिस्टर कौन है? ये जो क्वेश्चन है ये जून 2018 का करंट अफेयर है, ये अगर आप बाद में देख रहे हैं तो प्लीज क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में, ये शायद चेंज हो सकते हैं। तो ये शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन सेगमेंट में आपको लास्ट में पूछा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री लाल सिंह आर्य। श्री लाल सिंह आर्य जी अभी वर्तमान में एमपी स्टेट मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर के, और जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यदि इन चार स्टेट जिसमें एमपी, झारखंड, ओडिशा और बिहार, ये अगर चार राज्य होंगे तो इसमें जो गवर्नर की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन राज्यों का अगर गवर्नर है तो एक मिनिस्टर ऑन ट्राइबल अफेयर को भी नियुक्त करे। ओके, तो अभी वर्तमान में जो हमारे ट्राइबल अफेयर एमपी के जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो है श्री लाल सिंह आर्य जी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, जो है श्री सुरेंद्र पटवा जी, तो ये हमारे कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर हैं जो विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, और अगला ऑप्शन जो है श्री रुस्तम सिंह, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, और नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, ये तो सही है। अगला ऑप्शन है कि वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स डन यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर कैन नॉट बी क्वेश्चन, ये भी सही है। मीन्स जो भी कार्य डिस्क्रिशनरी के पावर होते हुए अगर गवर्नर करता है तो उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता लीगली, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ करेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो आप कमेंट में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन एमपी। ओके, वर्तमान में मध्य प्रदेश में मिनिस्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मिनिस्टर कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइनेंस एंड कॉमर्शियल टैक्सेस मिनिस्टर ऑफ एमपी का नाम बताइए। तो ये दो क्वेश्चन है जो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों की डिमांड होती कि मैं पीडीएफ शेयर करूं, और एक पीडीएफ के लिए मेरे पास एक मीडियम नहीं था कि मैं किस में आपको शेयर करूं, क्योंकि गूगल ड्राइव में थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम हो जाती है और साथ ही साथ कई लोग गलत उसका यूज करते हैं। तो मैं सोचा हूं कि एक ग्रुप, एक चैनल बनाया हूं टेलीग्राम में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए, आदित्य दुबे एमपीपीएससी। और इस चैनल के थ्रू आप पीडीएफ और जो वेरियस अपडेट्स मैं अपने चैनल में करता हूं उसकी आप जानकारी पूरी ले सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी तक हमने टॉपिक 4B कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा जो रहेगा रोल ऑफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड तहसीलदार। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा डिमांड इसकी है, तो मैं जल्दी ही इसको कवर करूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हो चाहे पुराने हो, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर नाउ, बाय।